चलिए बात करते हैं आज मार्केट की कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, करंटली क्रिप्टो मार्केट की पोजीशन क्या है और दो शॉर्ट अपडेट्स देख लेते हैं। एक बेबी डोज कॉइन के बारे में जिसमें कल काफी अच्छी तेजी थी, काफी अच्छी बाइंग थी। आप सभी को पता था जब बेबी डोज ने अपने ट्विटर अकाउंट में ऑफिशियल ट्वीट किया था कि समथिंग बिग इज कमिंग, कोई बड़ा अनाउंसमेंट वो करने वाली है उसको लेकर के। और साथ ही साथ देखते हैं कर्व फाइनेंस का कि कर्व फाइनेंस आज क्यों मतलब डाउन है और ये कैसे मतलब आज हैक होने से बच गया है। तो चलिए चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ और देखते हैं कि करंट पोजीशन मार्केट की क्या है। क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो आज मार्केट में काफी अच्छी खासी हेवी सेलिंग देखी गई है। मार्केट जो ग्लोबल मार्केट कैप है वो 3.96% डाउन है। इसका मतलब आप पकड़ लीजिए कि 4% जो है वो मार्केट डाउन है। और करंट अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे मार्केट कैप तो 1.08 trillion USD है। बात करते हैं बिटकॉइन की और इथेरियम की। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 3.85% डाउन है। इसकी करंट प्राइस है 22,910 USD, 22,910 USD के आसपास चल रही है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में काफी अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली है, 5.8% ये डाउन है। आप पकड़ लीजिए 6% के आसपास करंट ये चल रहा है 1675 USD, मतलब 1675 USD ये चल रहा है। बाकी ऑल्ट कॉइन की बात करें तो सभी ऑल्ट कॉइन में मतलब सेलिंग है। BNB पकड़ लीजिए 2.48% डाउन है, BUSD, Binance USD 0.02 स्टेबल कॉइन डाउन, XRP 4%, Cardano 4.46% डाउन है। सोलाना की बात करेंगे तो 6.74% डाउन है, Polkadot 5.79, Dogecoin 3.79, AVAX 1.58, Matic 5.35, Shiba Inu 3.49, Uniswap 5.69% डाउन है, Ethereum Classic भी डाउन है 3.03, Litecoin 6.67। तो करीब करीब आप देख सकते हैं सभी ऑल्ट कॉइन्स में मतलब सेलिंग आई है और ये पिछले 3-4 दिन में देखेंगे तो काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी बाइंग आई थी। अब इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम ने तो पिछले 15-20 दिन से जैसे जैसे इसका मर्जर जो है वो जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मेथड से लेकर के प्रूफ ऑफ स्टेक में जब वो शिफ्ट होने वाला है, वो जैसे जैसे मर्ज के डेट नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इथेरियम में अच्छी बाइंग देखी गई है। बट कभी पिछले 24 घंटों में देखेंगे तो इसमें अभी मतलब सेलिंग देखी गई है। तो ये अभी बात करते हैं बेबी डोज की। बेबी डोज कॉइन जो की कम्युनिटी का मीम कम्युनिटी का काफी फेमस कॉइन है, काफी फेवरेट कॉइन है। मुझे लगता है शिबा इनू के बाद बेबी डोज कॉइन ही एक ऐसा कॉइन होगा जो करीब करीब कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे। अब बेबी डोज कॉइन ने क्या किया है कि मतलब एक दिन पहले उसने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें लिखा है कि मेजर अनाउंसमेंट कमिंग सून। अब जब उसने ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया है मेजर अनाउंसमेंट कमिंग सून, उसके बाद मार्केट में कई सारे मतलब डिस्कशन चलने लगे। कम्युनिटी के बीच में ये चल रहा था कि बेबी डोज क्या अनाउंसमेंट करेगा, क्या वो कुछ नए जगह लिस्टिंग करेगा, कोई नए प्लेटफॉर्म में उसकी लिस्टिंग होगी। तो सबको यही था कि मतलब बाइनेंस में इसकी लिस्टिंग हो सकती है क्योंकि बाइनेंस में इसकी लिस्टिंग को लेकर कई दिन से मतलब न्यूज चल रहा है। और एक बार बाइनेंस के जो हेड है CZ, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था कि जो कॉइन में ट्रेडिंग अच्छी हो और जो कॉइन मतलब फंडामेंटल थोड़े अच्छे लगे उसको बाइनेंस हमेशा रिस्ट करने को तैयार है। तो उसको लेकर के लोगों में था कि हाँ भाई कहीं ना तो कहीं रिस्टिंग में हो सकती है और प्रोबेबली बाइनेंस में रिस्टिंग होगी। और उसमें इतनी बाइंग आई कि आप देख सकते हैं कि उसने वापस से बेबी डोज ने कुछ टाइम के बाद में मतलब ट्वीट किया, बेबी डोज नाउ रैंक 139 ऑन कॉइन गीको। ये 41% अप हो गया था। पॉइंट आप देख सकते हैं कि 8 times 0 = 1829 तक पहुंच गया था, 41% अप हो गया था और इसकी रैंकिंग जो है बढ़ करके 139 हो गई थी। उसके बाद में बेबी डोज जो है उसने आज मतलब अपना अनाउंसमेंट किया 3 घंटा पहले। उसने ये कहा है मतलब जो कम्युनिटी को लग रही थी कि ये कहीं पे रिस्ट होगा, बट ये रिस्ट नहीं होगा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, बट इनने अपने इकोसिस्टम में एक नया यूज केस, नई यूटिलिटी लॉन्च की है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको कहेंगे स्वैप। तो उन्होंने कहा कि बेबी डोज इज ऑनर टू अनाउंस आवर स्वैप इज कम्प्लीट। उन्होंने कह दिया है कि जो वो स्वैप रे करके आ गए थे वो कम्प्लीट हो गया है और वो कम्युनिटी को इन्वाइट कर रहे टेस्ट नेट के लिए नेक्स्ट वीक, मतलब 15 अगस्त ट्यूजडे को जो कम्युनिटी है वो मतलब टेस्ट नेट इसका कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको इस ट्वीट को लेकर के रीट्वीट हुए, 15,000 रीट्वीट हुआ, तो एक दिन पहले जो है वो मतलब कम्युनिटी टेस्ट नेट मतलब चालू कर सकती है, मतलब टेस्ट कर सकती है कि जो स्वैप है ये कैसा चल रहा है। उन्होंने साथ में ये भी ट्वीट में लिखा कि 100 रैंडम पीपल हु रीट्वीट मे गेट एन इनवाइटेड टू बी ए बीटा टेस्टर। उन्होंने ये कहा कि मतलब जो रीट्वीट करेंगे उनमें से 100 रैंडम लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको इन्वाइट करेंगे बीटा टेस्टर बोल करके, मतलब वो टेस्ट कर सकते कि ये जो बेबी डोज स्वैप जो नया उनका जो यूटिलिटी यूज केस जो उन्होंने लॉन्च किया है वो मतलब कैसा चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने फिर एक और मतलब इसी को कंटिन्यू एक ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने अपने स्वैप के बारे में फीचर्स बताया। उन्होंने कहा कि उनका जो स्वैप है वो केवल स्वैप नहीं है बट ये एक इनोवेशन है, इनोवेशन सच एज फार्मिंग एंड स्टेकिंग। इसमें फार्मिंग भी होगा और स्टेकिंग भी होगा एज ए सर्विस, मतलब इसमें मतलब जो आप सर्विस ये स्वैप में जो सर्विस प्रोवाइड होगा उसमें यूजर्स फार्मिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं और स्टेकिंग का भी फायदा उठा सकते हैं और लोग एक अपना फार्म क्रिएट कर सकते हैं या स्टेकिंग के लिए एक यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप बेबी डोज को लोअर फीस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंटरी फ्री टोकन लॉकर फॉर रेगुलर एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन्स करके है। बेसिकली यही अनाउंसमेंट है जो बेबी डोज करना चाहती थी और इसके लिए उसने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि मेजर अनाउंसमेंट कमिंग सून। और उसके उसको रे करके कम्युनिटी में इतना एक्साइटमेंट था कि इन्होंने सीधा 40% अप कर दिया। आज की बात करें तो आज भी बेबी डोज कॉइन
जो है वो अप है 2.22%, मतलब अप है। अब बात करते हैं कर्व फाइनेंस की। कर्व फाइनेंस का अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो आज 10.56% डाउन है करंटली। ओके, तो अब ये क्यों डाउन है, क्योंकि एक न्यूज आया था और ये फैक्ट है कि कर्व फाइनेंस का फ्रंट एंड यूआई कॉम्प्रोमाइज्ड इन डीएनएस हैक, यूजर्स एडवाइस नॉट टू इंटरैक्ट। मतलब कर्व फाइनेंस का जो यूजर इंटरफेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, हैकर्स ने उनको हैक करने की कोशिश की है। और ये तरीका है डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर हैक का एक तरीका, एक मैकेनिज्म यूज किया गया जिससे मतलब हैकर्स ने इसको हैक किया। और ये लिखा गया न्यूज में कि यूजर्स एडवाइस नॉट टू इंटरैक्ट, और ये कहा गया कि कम्युनिटी को कि मतलब वो किसी से भी इंटरैक्ट ना करे। तो जो पैराडाइम के जो रिसर्चर है उन्होंने मतलब एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट में, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्व फाइनेंस का जो फ्रंट एंड है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पास, और 5 लाख USD जो फंड्स है वो चुरा लिए गए हैं विदिन ए मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों में जो कर्व फाइनेंस है उसमें से चुरा गए हैं। तो कर्व फाइनेंस ने को मतलब ये पता चला, तो कर्व फाइनेंस ने प्रोएक्टिवली उनकी टीम ने काम किया और जो इशू है उसको ढूंढा कि कहां पे प्रॉब्लम है और उसको रेक्टिफाई कर दिया। उसके बाद में कर्व फाइनेंस ने ट्वीट किया, द इशू हैज बीन फाउंड एंड रिवर्टेड, इफ यू हैव अप्रूव्ड एनी कॉन्टैक्ट ऑन कर्व इन पास्ट आवर्स प्लीज रिवोक इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि मतलब हमको इशू मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम कहां पे है, उसको हमने ढूंढा है और उसको रिवर्ट किया है। अगर आपको मतलब कोई अपने कॉन्टैक्ट को अप्रूव किया है तो उसको आप रिवोक करिए वापस से। और उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब curve.finance को ये वेबसाइट को यूज करिए, curve.fi को मतलब यूज मत करिए, ये डोमेन नेम के थ्रू ही मतलब जो है वो मतलब हैकिंग का प्रोसेस हुआ था। तो ये था आज क्रिप्टो मार्केट का हाल और ये था दो अपडेट्स बेबी डोज और कर्व फाइनेंस को लेकर के। सो आज का वीडियो बस यहीं तक, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।